तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट इंटरनेट, ठीक है। चाहे आपके पास कीपैड का फोन है कोई भी, ठीक है, और वही मैं बात उठा अच्छा, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इजी फर्स्ट बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप बहुत इजीली अपने पैसे सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, जो भी आपको करना है बहुत इजीली कर सकते हो सिर्फ कीपैड के जरिए। तो चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो इसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको करना है डायलर ओपन कर लेना, चाहे आपके पास स्मार्टफोन है चाहे कीपैड का कोई भी फोन है उसमें आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वही में बात करो तो ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइप करना है *99 और हैश, ठीक है। उसके बाद जो भी सिम है आपके पास, मान लीजिए वही में बात करो जो भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड सिम है, ठीक है, जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, ठीक है। मान लीजिए वही में बात करूँ तो मेरे पास एयरटेल की सिम रजिस्टर्ड है, तो सेकंड नंबर में सिंपल सा टैप करूंगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे सेकंड नंबर जैसे मैंने टैप किया उसके बाद वेलकम टू *99#, ठीक है, ये ऑप्शन मेरे सामने आया, ठीक है, ओके कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तो मेरे सामने इंटरफेस ओपन हो चुका, उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन है जो भी मेरी बैंक लिंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे तो फर्स्ट सेंड मनी कर सकते हो, सेकंड रिक्वेस्ट मनी कर सकते हो, थर्ड चेक बैलेंस कर सकते हो, फोर्थ माय प्रोफाइल आपको देखने मिली, फिफ्थ पेंडिंग रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो, और सिक्स्थ में ट्रांजेक्शन और सेवंथ में यूपीआई पिन, ठीक है। ये सब ऑप्शंस है जो आपको देखने को मिलता है। अब जो भी ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए वही मैं बात करूं तो आप बैलेंस चेक करना चाहते हो तो थ्री यहाँ पे टैप कर देना, जैसे मैंने थर्ड किया उसके बाद सेंड पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे सेंड पर टिक किया मेरे सामने ओपन हो चुका, मेरा बैंक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका यूपीआई पिन है, ठीक है, जो भी आपने भीम में अपना यूपीआई बना रखा होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको भीम में यूपीआई आपका बना लेना, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वही मत नहीं, यहां पे मैं सिंपल सा पिन डाल के सेंड पर टैप कर देता हूं तो मैं फटाफट कर लेता हूं और फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। अब ये देखिए तो योर अकाउंट बैलेंस, तो मेरे सामने जो भी मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो मेरे सामने आ चुका है। उसके बाद आप इजीली ऐसे चेक कर सकते हो, तो ये प्रोसेस था जिसके जरिए आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और वही बात करो तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं, कीप स्माइल।